हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक गुरु। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक सीएसआईआर, नेट, गेट, जेएनयू, आईआईटी, जैम एंड इवन इन सम सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो हियर इज अ क्वेश्चन। अ प्रोटीन सॉल्यूशन आफ्टर 1000 फोल्ड डाइल्यूशन गेव एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.4 इन 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ क्यूबिट एट 218 नैनोमीटर। इट्स मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशियंट इज 44,000 पर मोलर पर सेंटीमीटर। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कंसेंट्रेशन ऑफ अ स्टॉक सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लैम्बर्ट बियर्ड लॉ से। इफ वी कम टू नो व्हाट इज लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लैम्बर्ट बियर्ड लॉ जानने के लिए और समझने के लिए हमें दो क्वेश्चंस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और वो क्वेश्चंस क्या है? नंबर वन, व्हाई लैम्बर्ट बियर्ड लॉ रेज। क्यों आखिर लैम्बर्ट और बियर्ड को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि उन्होंने ये लॉ बनाया? व्हाई दे रेज दिस। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया, उन्होंने कौन से फॉर्मूलाज यूज किए कि उनकी ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो गई। तो लेट्स ट्राई टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आई एम अ बायोटेक स्टूडेंट एंड व्हेन आई वेंट फॉर माई ट्रेनिंग देयर आई यूज टू कल्चर बैक्टीरियल सेल। हम क्या करते थे, बैक्टीरियल सेल्स को कल्चर किया करते थे। हम कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरियाज लेते थे और वी यूज टू पुट देम इनटू 100 ml बॉटल इन मीडिया। और विद इन 24 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या होते थे, वो इंक्रीज हो जाते थे। हम सब जानते हैं कि जब बैक्टीरियाज को फेवरेबल कंडीशन और फूड मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे बाय रेप्लिकेशंस। तो वो भी अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा लेते थे। और हमारा जो मेन काम था वो टू फाइंड बायोफ्यूल्स। तो अगर एक बैक्टीरिया कुछ अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इथानॉल, तो उस पूरे बॉटल में, उस पूरे 100 ml के बॉटल में कितना बैक्टीरिया ग्रो हुआ है विद इन 24 आवर, इससे हम क्या पता कर सकते थे कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स उस 100 ml के बॉटल में बन सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज हाउ मेनी बैक्टीरिया हैड ग्रोन विद इन 24 आवर। तो उस चीज को फाइंड करने के लिए वी यूज टू यूज वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, विच इज टोटली बेस्ड ऑन लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। हम क्या करते थे, अपने सैंपल को वन रेक्टेंगुलर ट्यूब दैट वी कॉल्ड क्यूबिट, उस क्यूबिट में हम अपने सैंपल को पुट करते थे। 1 ml का वो क्यूबिट होता है, उसमें हम अपने सैंपल को पुट करते थे और उस क्यूबिट को हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में लगाते थे। और उसके बाद कुछ इनपुट्स करने होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से सैंपल को यूज कर रहे हो, तो कुछ इनपुट्स डालने होते हैं उसमें और फिर वो आपको रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ ओडी, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। अब कैसे पता चल गया भाई कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं, तो वो हम अभी आगे देखेंगे कि वो कैसे पता चला। बट अभी जो मेरा क्वेश्चन वन था कि उन्होंने बनाया क्यों था लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, उसका आंसर आई थिंक आप सबको पता चल गया है। टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल मटेरियल और यू कैन से सेल्स इन सैंपल, किसी भी सैंपल में कितना नंबर ऑफ आपका सेल्स प्रेजेंट है, उस चीज को फाइंड करने के लिए लैम्बर्ट बियर्ड लॉ बनाया गया था। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ दे फाइंड नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैट सैंपल। सो टू नो दैट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। सो एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्ड्स लॉ। ये जो है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने ही सेम टॉपिक पे काम किया और फिर दोनों साथ मिलके एक लॉ दिए।
अलग अलग था पहले, फिर साथ में कंबाइन करके दिया गया। तो पहले हम देखते हैं कि लैम्बर्ट्स ने क्या कहा और फिर हम देखेंगे कि बियर्ड्स ने क्या कहा और लास्टली हम देखेंगे कि लैम्बर्ट बियर्ड लॉ दोनों मिलाने के बाद क्या बना। ठीक है, तो लेट्स सी लैम्बर्ट्स लॉ। इट स्टेट दैट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इंक्रीज। ये क्या कह रहा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इज दैट लाइट वेयर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम कंटेन सिंगल ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब सीधा सा समझिए ये क्या है कि जैसे आप जानते हो कि सनलाइट ही होता है, सनलाइट जब किसी स्पेक्ट्रम से पास कराया जाता है, किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो वो सेवन कलर्स में ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरह से मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होते हैं जिनको प्रिज्म के थ्रू जब पास कराया जाता है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ वन कलर की ही लाइट पास होगी। मतलब वो स्प्लिट होके बहुत सारे कलर्स नहीं देगा, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले ही लाइट प्रोवाइड करेगा। तो जब उस तरह का लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम पास करेंगे अपने ट्रांसपेरेंट मीडियम, कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ हमारा सैंपल, जब हम सैंपल से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पास करेंगे, तो क्या होगा भाई, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज। जैसे मान लो इंटेंसिटी का मतलब आप समझो कि क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी से कैसे आप समझ सकते हो, इंटेंसिटी वी कैन से टेक एग्जांपल लाइक कोई एक एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी के पास 15 फोटोन की इंटेंसिटी है। मतलब वो जो एनर्जी आ रही है कहीं से, उस एनर्जी में नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, 50 है। 50 कहने का मतलब क्या हो गया कि 50 फोटोन एनर्जी के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, फिर मान लो कि कोई दूसरी एनर्जी आ रही है, उसके पास 75 फोटोन है, तो इंटेंसिटी ज्यादा किसके पास है, नंबर ऑफ फोटोन्स जिसके पास ज्यादा है इंटेंसिटी भी उसी के पास ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी समझ में आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो कि कितना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हमारा जो सैंपल है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एब्जॉर्ब करता जाएगा, जैसे जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमारा सैंपल एब्जॉर्ब करता जाएगा, वैसे वैसे ट्रांसमिटेड लाइट की क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहां से आप देखो, इस फिगर को देख रहे हो, ये है आपका लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। हमने बात की थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात की थी, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो एक बॉक्स जैसा होता है, डब्बे जैसा होता है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है हमें वो नहीं पता, हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो उस डब्बे को खोलोगे और उसकी प्रोसेस को, उसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें एक्चुअली यही हो रहा होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम अपने सैंपल को प्लेस करते हैं, उसके एक साइड आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है और उस सोर्स ऑफ लाइट को, जैसे उस लाइट, वो लाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उस लाइट को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, मोनोक्रोमेटिक लाइट में, जैसा कि स्टेटमेंट बोला। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटर चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो किसी भी तरह के लाइट को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे मोनोक्रोमेटिक लाइट में। तो सोर्स एंड देन मोनोक्रोमेटर, ठीक है। उसके बाद अब जो लाइट यहां से निकलेगी वो कैसी लाइट होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, और उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, जिसको डेनोट हम देखो किस चीज से कर रहे हैं, आई नॉट से कर रहे हैं, ठीक है। फिर तो हमारा अपना क्यूबेट ही है, इसमें हमारे सेल्स प्रेजेंट है, सैंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप सपोज करो कि जैसे इतना बड़ा लेंथ है इस क्यूबेट का, इसका लेंथ कितना है, एल मान लिया मैंने कि इसका लेंथ एल है, तो कुछ एक छोटा सा सेंटीमीटर जगह होगा ना, कुछ मतलब एल है तो मुझे नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर का है, सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर होगा,
फिर 2 सेंटीमीटर होगा, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4, इस तरह से 5 सेंटीमीटर ये पूरा कवर करेगा। तो मान लो कि लाइट जब इसके इस क्यूबिट में एंटर किया, तो जैसे ही वो फर्स्ट सेंटीमीटर में पहुंचा, जैसे ही वो फर्स्ट सेंटीमीटर में पहुंचा, और मैंने बोला कि सपोज कर लो कि वो जो लाइट आ रहा है वो कितना एनर्जी लेके आ रहा था अपने पास, 50 फोटोन्स का था, ठीक है। तो 50 फोटोन्स में से मान लो कि पहला सेंटीमीटर में जितने सेल्स थे ना, उन्होंने मान लो कि 10 एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब कितने बच गए बोलो, 40 बच गए। मतलब अब इंसिडेंस रे के लिए जब जैसे ही वो सेकेंड सेंटीमीटर में पहुंचा, फर्स्ट सेंटीमीटर में 50 इंटेंसिटी था और यहां पे 10 एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब एब्जॉर्ब जब हो गया तो वो जैसे ही सेकेंड सेंटीमीटर में पहुंचेगा, अब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, दैट विल बी 40। यही तो लैम्बर्ट सर समझा रहे थे कि जैसे जैसे ट्रांसमिटेड लाइट आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड जाता है, वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस इसका होता चला जाता है और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो अब जो लाइट यहां से निकला, जैसे मैंने 50 ले लिया था, मुझे 60 लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिया है और हर एक सेंटीमीटर 10 ले रहा है, तो लाइट बाहर ही नहीं कुछ आएगी, बचेगी ही नहीं। तो लेट सपोज कि 60 फोटोन का था, तो यहां पे फर्स्ट सेंटीमीटर में 10 ले लिया, सेकेंड सेंटीमीटर में 10 ले लिया, थर्ड में 10, फोर्थ में 10 एंड फिफ्थ में 10, मतलब 60 में से 50 यहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जो बाहर निकला वो कितना हो गया, वो 10 जो निकला हमारा बाहर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, और उसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कैसे पता चलेगा, तो वी पुट वन डिटेक्टर जो हमें बताएगा कि कितना लाइट बचा हुआ है, कितना लाइट इस सैंपल्स से एब्जॉर्ब नहीं होके वापस आ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल लैम्बर्ट बियर्ड लॉ यही है। तो आइए पहले हमने यहां सिर्फ लैम्बर्ट लॉ देखा था, बियर्ड सर ने क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं। तो बियर्ड सर ने कहा, इट स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द कंसेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीज। जैसे जैसे एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीज होगा, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट सेंटीमीटर में कुछ सेल्स थे, अब उस सेल्स ने क्या कर लिए, यहां पे एब्जॉर्ब कर लिए हैं कुछ लाइट। मतलब यहाँ पे अगर कुछ एटम्स बने होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनके उन सेल्स के बीच में कुछ गैप्स भी बनी होंगी, कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस भी होंगी, और ये जो लाइट का है या मोनोक्रोमेटिक जो लाइट आ रही है इस सैंपल्स में, वो क्या हो रही है, उस गैप को, उस इंटरमोलिकुलर स्पेस को क्या कर रही होगी, फिल करते जा रही होगी, वो एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं ये सैंपल्स। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, हर एक सेल एक लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी बिल्कुल सेम ही चीज समझाने की कोशिश की है, इन्होंने भी क्या कहा है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, वैसे वैसे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीज होता है। तो इन दोनों ने अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, फिर साथ में मिलके इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो क्या था, लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ कहाया, और हम उसका स्टेटमेंट क्या था, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन होमोलोगस मीडियम, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, उस पूरे क्यूबिट में बिल्कुल एक जैसे सेल्स थे। अब ये मत कर देना कि एक क्यूबिट लिया उसमें 1 ml मिल्क नहीं है, जैसे होमोलोगस कैन का मतलब क्या होगा, थ्रू आउट सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले हमने 500 माइक्रोलीटर वाटर ले लिया और ऊपर में फिर थोड़ा सा 500 माइक्रोलीटर ऑयल ले लिया, तो वो क्या हो जाएंगे, होमोलोगस नहीं होंगे। होमोलोगस कहने का मतलब क्या होगा कि पूरे क्यूबिट में जो सेल्स होंगे कैसे होंगे, बिल्कुल सेम सैंपल होने चाहिए। तो इन्होंने कहा, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन होमोलोगस मीडियम अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, अ पोर्शन इज एब्जॉर्ब, रिमाइंडर इज ट्रांसमिटेड। मतलब कुछ इंसिडेंट्स जब होती है लाइट, तो कुछ इंसिडेंट्स लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या था कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू एब्साइलेंस कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। ए इज हेयर एब्जॉर्बेंस कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है लाइट, आई इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, एप्साइलन एक्सटिंक्शन कोफिशियंट, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल, एल पाथ लेंथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थोड़ा डेरिवेशन। ये फॉर्मूला तो इन्होंने लिख लिया, इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला आया कहां से तो उसको अब हम यहां समझते हैं। तो मेन काम अब शुरू होता है, क्योंकि ऐसे तो अगर आप फॉर्मूला रट लेते हो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके डेरिवेशन को सीख लेते हो और उसके डेरिवेशन को समझ लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पे हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ एक सेंटीमीटर, मान लो कि कुछ एक सेंटीमीटर में जितना जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ था, अगर हम वो निकाल लें, जितना एक सेंटीमीटर में लाइट एब्जॉर्ब हुआ था वो निकालें, वो जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, कॉन्सेंट्रेशन था, कॉन्सेंट्रेशन और किसके जो बाहर निकला उसके, अगर इसको और इसको मिला दें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इंसिडेंस लाइट के। तो यहां पे इंसिडेंस लाइट अगर हम सिर्फ वन सेंटीमीटर की बात करें तो उसको हम क्या लिखेंगे, डीआई लिखेंगे। क्यों डीआई लिखेंगे आप बताओ, यहाँ पे जो बायोटेक के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा मैथ उनका वीक होता है, आई नो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूं कि देखो डीआई कैसे होगा। ये जो पूरा क्यूबिट था वो 5 सेंटीमीटर का बना था, अब 5 सेंटीमीटर का हमें नहीं अभी चाहिए, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज हो, एक बड़ी सी चीज हो और उसका एक छोटा यूनिट निकालना हो तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, उस टाइम हम करते हैं डिफरेंशिएशन, उस टाइम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें एक सेंटीमीटर, ये पूरा जो इंटर, यहां पे जो इंटर किया था जो लाइट वो कितना था, पूरा आई था, और अगर वो आई था तो अगर थोड़ा सा हमें निकालना है, कितना थोड़ा सा, एक सेंटीमीटर में कितना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, डी आई लिखेंगे, है ना। अब लेंथ भी बिल्कुल उसी तरह से, पूरा लेंथ इसका कितना हमने माना था, देखो यहां एल माना था, और लेंथ अब हमें कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो बिल्कुल वो छोटा है तो इसलिए छोटे वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां एल को डिफरेंशिएट कर दिए और यहां आई को डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब डी आई अपॉन डी एल, ठीक है, जो कि है वो किसके बराबर है, तो कॉन्सेंट्रेशन और ट्रांसमिटेड लाइट के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहां पे नेगेटिव साइन लगाया है मैंने। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, ये ट्रांसमिटेंट डिनोट करता है। ट्रांसमिटेंट क्या होता है भाई, तो ट्रांसमिटेंट वो होता है, हम यहाँ पे एक छोटे यूनिट का ट्रांसमिटेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ माइनस लगाते हैं। ट्रांसमिटेंट का मतलब क्या होता है, घटना, कोई भी यहाँ पे अगर जैसे 60 था तो धीरे धीरे क्या होता चला गया, वो घटता चला गया, तो जब घटता है जैसे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ा होगा, तो एक्सेलरेशन में वैल्यूज प्लस होती हैं लेकिन रिटार्डेशन में वैल्यूज निगेटिव आती हैं, उसी तरह से यहाँ पे अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, लेकिन अगर ट्रांसमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, जो लैम्बर्ट बियर्ड थे वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब इसी पे इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल काम किया और वो फॉर्मूले लाए। तो क्या किया उन्होंने, देखो यहां ये जो माइनस साइन था हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, उन्होंने क्या कहा कि डी आई अपॉन डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड लाइट, सॉरी ट्रांसमिटेंस आई एम सेइंग, ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, क्योंकि कभी भी हम लोग फॉर्मूलाज में ये कांस्टेंट का जो सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जगह हम इज इक्वल टू लगाते हैं, और इज इक्वल टू लगाने से पहले,
मतलब इज इक्वल टू अगर आपको लगाना है इसके प्लेस पे, तो आपको एक अपने मन से कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट नहीं डालोगे तो वैल्यूज गड़बर हो जाएंगी। तो हमने मान लो यहाँ एक कांस्टेंट डाल दिया अल्फा, ठीक है, और ये जो निगेटिव साइन था इसको हमने इस साइड भेज दिया। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ये जो निगेटिव साइड था वो इज इक्वल टू के इस साइड आ गया है, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसके प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। और ये अल्फा कहाँ से आया है, ये जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक हमें कांस्टेंट लगाना होता है, और वो कांस्टेंट मैंने यहाँ अल्फा ले लिया है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर में ये चीज हो रही है, ये कहानी। लेकिन हमें तो पूरे क्यूबिट में जो हो रहा है वो निकालना है ना। यहां हमने निकाला एक छोटे सेंटीमीटर वाली चीज, अगर ये हमारा क्यूबिट 5 सेंटीमीटर का था तो हमने 1 सेंटीमीटर के लिए ये निकाला, लेकिन हमें तो इस पूरे क्यूबिट की चीज निकालनी है। तो जिस तरह से एक बड़े ऑब्जेक्ट से एक छोटे पार्ट का वैल्यू निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी तरह से एक छोटे पार्ट से बड़े पार्ट का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में बड़े पार्ट से छोटे पार्ट का वैल्यू निकालते हैं, और इंटीग्रेशन में छोटे पार्ट से बड़े पार्ट का निकालते हैं। अगर हमें एक का पता चल गया है यहाँ पे, तो अब हम इस पूरे क्यूबिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया भाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों साइड डाल दिया। अब आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने डाला है और सिर्फ यहाँ डाला है, इन दोनों पे क्यों नहीं डाला भाई, तो हम तो जान रहे ना कि हमने ये कॉन्स्टेंट डाला है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लाइट पास करते ही नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, ऐसा हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे घट या बढ़ कौन रहा है, ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी घट रही है और इसकी ही इंटेंसिटी बढ़ भी रही है। मतलब अगर जब ये पहले इंसिडेंस था तो इंटेंसिटी इसकी बहुत थी, और जैसे जैसे ये बाहर आने लगा उसकी इंटेंसिटी कम होती चली गई। दूसरा क्या हो रहा है भाई, लेंथ भी चेंज हो रहा है, कैसे, जैसे ही ये 1 सेंटीमीटर पहुंचा तो इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ट्रेवल हुआ है, जैसे ही ये 2 सेंटीमीटर पहुंचा इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गया, जैसे ही 3 सेंटीमीटर पहुंचा 3 हो गया। तो लेंथ भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेट किसको करना होगा, लेंथ को भी इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि जो आपका अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट आपका क्या है, आई हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया, आई नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेंथ में क्या हो गया, तो अपर लिमिट आपका एल हो गया, और स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, जीरो से, जीरो से पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2, इसी तरह से क्या होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का आप छोटा बेसिक बिल्कुल कैलकुलेशन, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब आप डी आई, अच्छा एक चीज और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डी आई अपॉन डी एल था, अब ये डी आई अपॉन आई कहाँ से आ गया, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी है यहाँ पे चीज मैंने की है, ये जो आई था मैंने इसको इधर भेज दिया, और ये जो डी एल था मैंने इसको इधर भेज दिया, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा अरेंजमेंट्स किया है, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो इंटीग्रेशन में आप दो अलग अलग चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे डी आई को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू आई ही करना होगा। ठीक है, तो डी आई बाई आई का हम क्या लिख सकते हैं, लॉग आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिमिट्स क्या लगाएंगे, आई अपॉन आई नॉट, मतलब अपर लिमिट आई हो गया और लोअर लिमिट आई नॉट हो गया, और बिल्कुल ये तो सेम ही था तो मैंने सेम ही उतार दिया। उसके बाद एल डीएल को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एल बनेगा, छोटे 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 अगर लेंथ आपने जोड़ना शुरू कर दिया, इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में जब हम जोड़ना शुरू किए तो छोटे छोटे डीएल जो मिलके क्या बना देंगे, एल बना देंगे। ठीक है, जैसे छोटे छोटे डी आई मिलके क्या बनाएंगे, लॉग आई बनाएंगे, उसी तरह से ये एल बनाएंगे। ठीक है, और इसका अपर लिमिट क्या है, एल है, और ये जीरो है। अब हमने कुछ नहीं किया,
इसका एक क्या होता है फॉर्मूला इस चीज को सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन में क्या होता है तरीका, कि जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को आप माइनस कर दो, क्या कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो। तो अपर लिमिट आई था ln i माइनस ln i नॉट, मतलब log i माइनस log क्या हो गया i नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस अल्फा डॉट कॉन्सेंट्रेशन, और इधर क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो l माइनस जीरो। अब ये जब माइनस करके क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, लेंथ में से जीरो माइनस हुआ तो लेंथ बचेगा। ये देख लो, ये भी एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका, तो log i माइनस log i नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log i अपॉन i नॉट। जो पहला वाला है उसको ऊपर न्यूमरेटर बना देते हैं और जो दूसरा वाला है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं, ठीक है। तो log i माइनस log i नॉट को हम क्या करते हैं, log i अपॉन i नॉट करते हैं, और ये तो बिल्कुल सेम ही था, माइनस अल्फा डॉट कंसेंट्रेशन इनटू लेंथ, ठीक है। अब आगे देखिए, तो हमने यहां पे, अब देखो एक चीज और सीखो, यहां पे जो माइनस है जब हम माइनस हटाते हैं तो हमारे इज इक्वल टू के इस साइड जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो यहां मैंने माइनस हटा दिया तो क्या हो गया, आई नॉट जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ये भी एक मैथ का ट्रिक होता है जो कि आप इजिली यूज कर सकते हो किसी भी कैलकुलेशन में। तो अगर मान लो इस साइड मेरा माइनस में था ऑब्जेक्ट, जो भी नंबर्स हैं या जो भी वो माइनस में है, अगर उस साइड जाएगा माइनस, मतलब माइनस हट जाए पूरे दोनों तरफ से माइनस आप हटा दो तो क्या हो जाएगा, चीज वैल्यू आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस माइनस को हटाया तो ये क्या बन गया, लॉग I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू अल्फा कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। अब एक चीज यहां पे मेन थोड़ा सा समझो, लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग को हम दो चीज लिख सकते हैं, लॉग E भी लिख सकते हैं, ये होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। और नेचुरल लॉग इस कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था, हमने ये जो फॉर्मूला देखा था दैट इज नॉट नेचुरल लॉग, ln नहीं है ये, log log है, ठीक है। तो इस log में हमें इसको ln को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ln को आप log e लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, 2.303 log 10 लिख सकते हो। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, log 10 वाली वैल्यूज चाहिए इस डेरिवेशन को लाने के लिए, क्या चाहिए, log 10 वाली, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, तो हम यहां पे ln के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log 10 i नॉट अपॉन i, ठीक है। और ये तो जैसे था वैसे ही आ गया। अब मैंने फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है, मैंने चीजों को इधर से उधर शिफ्ट किया है, अल्फा के साथ हमारा कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ था उसको हमने इस साइड ट्रांसफर किया है, इज इक्वल टू के जब इस साइड वो जाएगा, अब यहाँ पे देखो किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है, और जब उस साइड जाएगा तो वो क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और पहले से ही इधर क्या थे, तो 2.303 log 10 i नॉट अपॉन i पहले से था, और ये दोनों अभी इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, वी विल डिवाइड दैट। अब देखो, अब क्या किया मैंने, एक चीज यहां पे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये log 10 i नॉट i से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, इसको, इस वैल्यू को हम इज इक्वल टू के इस साइड भेज रहे हैं। अभी हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं चीजों को। तो इसे हमने इस साइड भेज दिया अल्फा के पास। अब यहाँ क्या है, अल्फा अपॉन 2.303 इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन लेंथ log 10 i नॉट अपॉन i। अब एक चीज जानिए, अल्फा अपॉन 2.303 का वैल्यू क्या होता है, एप्साइलन होता है, ठीक है, क्या होता है, एप्साइलन होता है। तो हम इसके प्लेस पे, अल्फा के प्लेस पे, अल्फा अपॉन 2.303 के प्लेस पे एप्साइलन पुट कर सकते हैं। और याद करो यहां पे मैंने एब्रीविएशन का फुल फॉर्म दिया था, तो ई का नाम क्या था,
एक्सटिंक्शन कोफिशियंट, हम इसे क्या कह रहे थे, एक्सटिंक्शन कोफिशियंट कह रहे थे। तो हमारा यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/CL डॉट log 10 I नॉट अपॉन I आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि जो E था अभी फिर मैंने रीअरेंज किया, वो उस साइड सी एल जो थे वो क्या थे, डिवाइड के फॉर्म में थे, तो इज इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो क्या में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब एप्साइलन इनटू कंसेंट्रेशन इनटू लेंथ इज इक्वल टू लॉग 10 अपॉन आई नॉट अपॉन आई, ठीक है। तो क्या हो गया यहां देखो, ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है कि कितना कंसेंट्रेशन में कितना लेंथ ट्रेवल करके आपका जो एब्जॉर्बेंस हुआ है वो यहां पे निकल गया, मतलब एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ये हो गया एप्साइलन डॉट कंसेंट्रेशन डॉट एल हो गया, ठीक है। और इसके प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं, ए इज अ एब्जॉर्बेंस, ठीक है। और ए फिर किसके बराबर भी हो जाएगा, लॉग 10 I not upon I is equal to E multiply concentration multiply length, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लाने की कोशिश कर रहे थे, देखो यही था इन्होंने दिया था ना, absorbance is equal to log I not upon I is equal to epsilon concentration and length, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे ले आए। बहुत ही इजी, यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पे कर सकूं ताकि कोई स्टेप्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो रही है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कहीं पे फंस रहे हो, तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखना क्योंकि ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमने डिराइव कर लिया। अब एक चीज देखो, थोड़ा ट्रांसमिटेंस के बारे में भी समझो। जैसे हमने बोला था कि 60 फोटोन वाले लाइट गई, पास हुई हमारे सैंपल से, जिसमें से 50 तो एब्जॉर्ब हो गई थी, तो जो 10 बाहर आई उससे हम क्या कह रहे थे, ट्रांसमिटेंस कह रहे थे। तो ट्रांसमिटेंस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हमारा ट्रांसमिटेड लाइट था उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे टोटल इंसिडेंस लाइट से, ठीक है। तो हमने यहां डिवाइड कर दिया, अब लॉग लगाए दोनों साइड में, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट अपॉन I, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी आपको माइनस लगाना हो, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसमिटेंस है, और ट्रांसमिटेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, ट्रांसमिटेंस का मतलब नेगेटिव, चीजें घट गई हैं, तो अब हमें क्या लाना होगा, माइनस। और जैसे ही आप माइनस लाते हो, मैंने बताया कि आपकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस अगर लगाया है तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन आई, जो कि पहले क्या था, आई अपॉन आई नॉट था, ठीक है। तो लॉग टी को अब हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से, लॉग 10 आई नॉट अपॉन आई किसके बराबर था, ए के। तो यहां पे हम लॉग 10 आई नॉट अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और वो ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब एब्जॉर्बेंस जो होगा वो ट्रांसमिटेंस के बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। समझ में आया, इसी को जब हम लॉग हटाते हैं, ये भी एक छोटा सा मैथमेटिकल ही प्रोसेस है कि जब हम लॉग हटाते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10^-a कर सकते हो, मतलब इस लॉग को अगर आपको हटाना है तो इस साइड में 10 आ जाता है और ये जो नंबर्स था वो पावर पे चला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है मैथ का एक, तो बिल्कुल यही चीज कर लिए। अब इसी से आप जितना मन उतना फॉर्मूला बनाओ ना, आपने ये लॉग हटा लिया और 10^-a ले आए। अब इस माइनस ए के जगह पे अगर आपका मन करे तो ये इसको भी पुट कर लो, अगर माइनस ए के जगह पे मन करे तो इसको भी पुट कर लो। तो मैंने यहां पे एक और फॉर्मूला बनाया, देखो, T इज इक्वल टू 10^-εb·c, सॉरी यहाँ पे B मैंने लिख दिया, यहाँ L होगा, ठीक है, ये L है, लेंथ है हमारा, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे निकल के आए हैं किस में, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ में, और
आई होप कि आपको लैम्बर्ट बियर्ड लॉ अच्छे से समझ में आ गया हो। अब वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप मेरे हिसाब से तो इतना बताने के बाद वो अब आराम से बन जाना चाहिए क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उस क्वेश्चन को एक बार डील कर देती हूँ। हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज जो दिए हुए थे वो वैल्यूज क्या क्या दिए हुए थे, तो हमारा ए एब्जॉर्बेंस दिया हुआ था 0.4, लेंथ दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, और एक्सटिंक्शन कोफिशियंट हमारा दिया हुआ था कितना, 44,000 पर मोलर पर सेंटीमीटर। डाइल्यूशन टाइम कितना था हमारा, 1000 टाइम उसको डाइल्यूट किया जा रहा था। ठीक है, तो हम अब देख लो, फॉर्मूला हमारे पास बहुत तरह का है, जितना मन करे उस फॉर्मूला से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज और डेराइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि पहले यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला था, आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लिए, मतलब हमने मैंने कुछ किया नहीं है, ये क्या किया कि हम ये फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था और हमें निकालना ये था, ये दोनों अभी मल्टीप्लाई में है, मैंने इन दोनों को क्या किया, इस साइड भेज दिया, इज इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, तो वो क्या में आ गए, डिवाइड में आ गए। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, बच्चे वाला। अब वैल्यूज पुट कर दिया, ए का वैल्यूज मेरा दिया हुआ था देखो 0.4, वैल्यूज पुट किया, फिर मेरा एप्साइलन का भी वैल्यू दिया हुआ था देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, फिर लेंथ भी दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दो, ये क्या है 1000 टाइम डाइल्यूशन, तो मैंने इसको डाइल्यूट भी कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट में था तो पॉइंट हटाया तो एक 10 और आ गया नीचे। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे और कैलकुलेट करोगे तो टोटल आंसर जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 9.09 आ जाएगा। ठीक है, मिलीमोलर। अब ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद 9 है, तो जब भी 9 हम राउंड ऑफ करते हैं तो अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट में अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आपका उससे पहले वाला डिजिट क्या होता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ अगर 5 होता तो भी ये 1 हो जाता, या 5 से ज्यादा होता तो भी ये 1 हो जाता, तो यहाँ तो 9 है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 9.1 मिलीमोलर। तो आपका ऑप्शन ये बी है, आंसर करेक्ट ऑप्शन ये है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, आप इसको खुद से सॉल्व करना, और अगर ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर को पोस्ट करूंगी। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफैन हैज एन एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर ऑफ 0.54 इन अ 0.5 सेंटीमीटर लेंथ क्यूबिट, गिवन द एब्जॉर्बेंस कोफिशियंट एप्साइलन ऑफ ट्रिप्टोफैन इज 5.4 × 10⁸ लीटर पर मोलार पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नहीं ढूंढ पाओ तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। आई होप कि आपको लैम्बर्ट बियर्ड लॉ अच्छे से समझ में आ गया हो, और अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो इस पूरे टॉपिक को समझने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ताकि अगर नहीं समझ आया है तो मैं इस पे एक और अच्छे से इलेबोरेट करके और कोशिश करूं कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुश्किल नहीं होता है समझने में, मगर कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिलता है। तो अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, तो मैं और एफर्ट लगाऊं और समझा सकूं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं या जो बच्चे बहुत अच्छी जगह नहीं है, जहां पे उनको फैसिलिटीज नहीं है कि वो पढ़ सकें, वो भी इन चीजों का यूज कर सकें। ठीक है, तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियोस जितना हो सके, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बी द टेक्नोलॉजी गुरु।